वीडियो लेक्चर में हम सिग्नल को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। दो फेज में हम देखेंगे, एक वैसे सिग्नल जिसका स्लोप जीरो है उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, फिर आगे हम स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव वाले सिग्नल का भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिग्नल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सीखने जा रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे। हम बेसिक सिग्नल सिस्टम का पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6-6 वीडियो लगभग हम डाल चुके हैं और ऐसे ही वन बाई वन हम वीडियो डालते जा रहे हैं। आप इसके लिए मैथोसी गुरु राजीव पटेल चैनल सर्च करके इस पे आ सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पूरे सिग्नल सिस्टम पेपर सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन होगा इस चैनल पे। एलएनवी ओपिनियम जो टेक्स्ट बुक है उसका वन बाई वन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा इस चैनल पे। तो ये चैनल आपके बड़े काम का है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी काम का है। देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नल। कोई एक सिग्नल एक्सटीन गिवन है, इस टाइप का सिग्नल है, -1, 2, 3 वैल्यू बन रहा है। अगर मैथमेटिकली के लिए हम एक्स टी को लिखेंगे तो एक्स टी की वैल्यू 1 है, -1, 2, 3 के बीच 0 अदरवाइज 0 अदरवाइज। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, देखें dxt अपॉन dt हमें करना है। वी हैव टू फाइंड dxt अपॉन dt, dxt अपॉन dt फाइंड करना है। -1 के पहले वैल्यू 0 है, वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ -1 इज 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0, 0 का डिफरेंशिएशन ना 0 होगा। -1, 2, 3 वैल्यू 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -1, 2, 3 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। राइट साइड ऑफ 3 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये पूरा ही 0 हो गया। तब तो फिर 0 स्लोप वाले सारे सिग्नल का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा। 0 तो हो गया लेकिन दो पॉइंट है, -1 और एक 3 पॉइंट है, इन दोनों पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये सिग्नल, यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी का पहला कंडीशन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है वही डिफरेंशिएबल होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो यहां -1 और 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो यहां के डिफरेंशिएशन को, जहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है उसके डिफरेंशिएशन को हम इंपल्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इंपल्स से दिखाते हैं। इंपल्स डेल्टी अप के इसी काम के लिए लगा हुआ है भैया, ये मैथमेटिक्स से अलग सिग्नल में एक फंक्शन आपके लिए इंपल्स फंक्शन लाया गया है इसी काम के लिए, जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां +1 का राइज है ना, +1 का राइज है तो +1 का इंपल्स यहां लगा देंगे, +1 का इंपल्स लगा देंगे और यहां -1 का फॉल है मतलब नीचे जा रहा है तो -1 का इंपल्स लगा देंगे, ए बन गया। इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो xt इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ut+1 का राइज है तो ut+1 और फॉल है तो -ut-3 और dxt/dt लिखेंगे तो -1 पे +1 का इंपल्स है मतलब ΔT+1 और -1 है 3 पे, 3 मतलब ΔT-3 ΔT-3 पे -1 है। आप वैसे भी जानते हैं यूटी का डिफरेंशिएशन डेल्टी होता है, देखिए यूटी का डिफरेंशिएशन डेल्टी हो गया, यूटी का डिफरेंशिएशन डेल्टी हो गया। एक तो ये भी तरीका है कि यूटी के फॉर्म में लिख लीजिए और उसको डिफरेंशिएट करके डेल्टी के फॉर्म में लिख लीजिए, यूटी का डिफरेंशिएशन डेल्टी होता है, लेकिन ये लंबी तरीका है, पहले यूटी के फॉर्म में लिखें फिर उसको डिफरेंशिएट करें। ग्राफ देख के आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है और ग्राफ के फॉर्म में लेके आना, क्योंकि ग्राफिकली ही आगे के चैप्टरों में जरूरत पड़ेगा कि ग्राफिकली ही सिग्नल को हैंडल करना है।
नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, अभी तो जीरो स्लोप वाले देख रहे हैं, अभी हम जीरो स्लोप वाले देख रहे हैं, फिर स्लोप वाले को कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम समझेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी की कमी है सीखने में, ऐसा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट एरो दे दें, जो सी बात है सारी जगह जीरो स्लोप है तो हर जगह डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, बस जहां ब्रेक पॉइंट है जहां डिसकंटिन्यूटी है उसके डिफरेंशिएशन को दिखाना है। माइनस थ्री पे प्लस वन का राइज है तो माइनस थ्री पे पॉजिटिव वन का इंपल्स हो जाएगा, वन पे वन से माइनस टू जा रहा है, माइनस थ्री का फॉल है, थ्री का फॉल है तो माइनस थ्री का इंपल्स हो जाएगा वन पे, फोर पे माइनस टू से जीरो जा रहा है मतलब प्लस टू का इंपल्स हो जाएगा फोर पे, ठीक है। इतने आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। एक और एग्जांपल जीरो स्लोप वाला, एक और एग्जांपल देख, डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए जल्दी, डिफरेंशिएट करिए इसे, पहले लेफ्ट टू राइट एरो दे दें, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डीएक्सटी अपॉन डीटी प्लॉट करेंगे। माइनस फोर पे प्लस टू का राइज है, माइनस फोर पे प्लस टू का इंपल्स, माइनस वन पे टू टू थ्री हो रहा है, टू से थ्री वन इंक्रीज कर रहा है ना, प्लस वन का इंपल्स ध्यान रखिएगा इस पे, देखिए माइनस वन पे हम सिर्फ प्लस वन का इंपल्स दे रहे हैं, मतलब थ्री जा रहा है तो थ्री इंपल्स नहीं देना, प्लस थ्री नहीं देना, टू से थ्री वन यूनिट ही राइज कर रहा है तो प्लस वन का इंपल्स होगा माइनस वन पे, इसमें गलतियां करते हैं लोग, थ्री पे थ्री टू माइनस फोर जा रहा है, सेवन यूनिट फॉल कर रहा है तो थ्री पे माइनस सेवन का इंपल्स, माइनस सेवन का इंपल्स, फाइव पे माइनस फोर पे जीरो हो रहा है, फाइव पे प्लस फोर का इंपल्स, ये आपका स्केच हो गया। अब हम देखेंगे कि कोई भी सिग्नल में पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप है फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आते हैं इसमें, इसे लिखे होंगे, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, नहीं आसान है, इसका स्लोप पता करेंगे, स्लोप कैसे पता होगा, वर्टिकल हाइट देखेंगे, मैक्स
मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, 2 है, और हॉरिजॉन्टल हाइट देखेंगे 3 है, 2/3 इसका स्लोप हो गया। राइजिंग सिग्नल है, राइजिंग सिग्नल है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, फॉलिंग सिग्नल होगा तो नेगेटिव लगा देंगे, तो जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएट करके आएगा। मतलब अगर y इक्वल टू mx प्लस c है, y इक्वल टू mx प्लस c है तो dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, m इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस c का 0, m ही आएगा, मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन का उसका स्लोप ही होता है। तो बस स्लोप फाइंड करना है, स्लोप भी हम कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल हाइट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ कर देंगे। अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव में रखेंगे, डिक्रीजिंग है फॉलिंग है तो नेगेटिव में रखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे बस। तो 2/3 हम बनाए इसमें, -3 से 0 तक 2/3 है, मैग्नीट्यूड आपका 2/3 है। राइट साइड इसमें यहां पे कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, अगर डिस्कंटिन्यूटी होती तो हम इंपल्स ड्रॉ करते हैं। डिस्कंटिन्यूटी का मतलब इससे पहले भी वैल्यू 0 है, इसके बाद भी वैल्यू 0 है, यहाँ पर कोई राइज नहीं हो रहा है, कोई फॉल नहीं हो रहा है, सडन राइज सडन फॉल नहीं हो रहा है। आगे 0 है, 0 से 3 वैल्यू 2 है, 2 का डिफरेंशियल 0 होगा और 3 पे फॉल हो रहा है, 2 से 0 हो रहा है तो 3 पे इंपल्स बनेगा, डिस्कंटिन्यूटी है यहाँ पे माइनस 2 का, ए इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। देखिए एक और एग्जांपल के साथ, एलएनबीओ पेनियम में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, उनका भी एग्जांपल अलग से डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन उसमें भी कुछ कांसेप्ट आपको आएगा। एक और एग्जांपल लेके जा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन पता करिए जल्दी से, ये सिग्नल स्केच करिए और इसका डिफरेंशिएशन पता करिए, एरो लगा दीजिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एरो लगा दिया हमने। अब डीएचटी अपॉन डीडीएस स्केच करना है, कैसे करेंगे भाई, -5 पे ब्रेक पॉइंट है, -1 पे ब्रेक पॉइंट है, 2 पे ब्रेक पॉइंट है और 4 पे ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। -5 पे डिस्कंटिन्यूटी है, सडन फॉल है, कितना फॉल है -2 का, तो -2 पे इंपल्स बना दें पहले, तो -2 का इंपल्स। अब इसका राइजिंग राइजिंग सिग्नल है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, स्लोप कितना है, हाइट कितनी है भाई, हाइट 2 है और हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, -5 से -1 4 लेंथ का है, 2/4 1/2 आ गया, इसका स्लोप आपका 1/2 आ गया, तो ये 1/2 -5 से -1 तक इसकी वैल्यू 1/2 होगी, मतलब 0.5 होगी, ठीक है। और छोटा ही बनाते हैं, इतना हाइट वाला 0.5 ना होना चाहिए, आधा ही होना चाहिए, ठीक है। -1 पे डिस्कंटिन्यूटी है, सडन राइज कर रहा है ना, 0 से 2 जा रहा है, तो -1 पे एक इंपल्स भी आएगा, +2 का इंपल्स आएगा, इसमें ऐड वगैरह नहीं करना है, 0.5 इसमें ऐड कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये अलग है, इंपल्स अलग है, वैल्यू अलग है,
और माइनस वन से टू तक टू, टू का डिफरेंस जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो गया। टू पे एक इम्पल्स आएगा, डिस्टेंस ड्यूटी है, टू टू जीरो हो रहा है तो माइनस टू का इम्पल्स आएगा। और ये डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग सिग्नल है, नेगेटिव स्लोप होगा। हाइट कितनी है भाई? हाइट 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 माइनस टू, मतलब टू हाइट है, हाइट टू है। और लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ टू है, टू अपॉन टू वन, वन स्लोप है लेकिन डिक्रीजिंग सिग्नल है, नेगेटिव स्लोप है, माइनस वन। टू टू फोर वैल्यू माइनस वन होगी, और 4 पे राइज कर रहा है, डिस्कंटिन्यूटी है, माइनस टू से जीरो जा रहा है, माइनस टू टू जीरो जा रहा है तो प्लस टू है ना, दो अप जा रहा है तो प्लस टू का इंपल्स हो गया 4 पे। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन भी सीखे, किसी भी सिग्नल स्लोप वाले का आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, अभी रैम फंक्शन में सिग्नल को रिप्रेजेंट करना, बहुत सारी चीजें बाकी है बेसिक्स में, वो धीरे धीरे हम वीडियो में कवर कर लेंगे। आप वेट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपना सिग्नल चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा छूटे ना, सबको शेयर करना है ये चैनल।